8,000 9,000 नहीं 10 का बांधना है, आइए घुमाओ फिर मंडी में। ले ले। 1 2 3 4 5 भाजी, मैं तो सारों की बात कर रही थी। ये भी पा आने जल्दी डाल 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 दे 4,500 की बोस बना के खाने का। ऐसे कौन सा नस्ल बच्चे पैदा करने हैं उसके? खाने वाली भी बात कितने की है? खाने वाली कितने की है? 5,000 की बस, और कितने की? कितने की? 16 किलो 16,000 बकरे की बस, ज्यादा कर देंगे, सतारा कर देंगे और क्या। बकरा खड़ा उधर पंजाबी, 4 दांत का बच्चा, इससे वजन ज्यादा, इससे हाइट ज्यादा होगी तो लेकर आ जाओ 17,000 का लिया। आप भी 17 का ले सकते हैं, यही से लिया आपके लाइन से। देख लो जाके बाड़े में खड़ा शेरे कलर का है, लाल शेरे कलर का, लाल शेरा, इसी लाइन बाड़े में खड़ा सामने जाके देख लो। इससे कट कम से कम 42 इंच का है, उसका वेट भी होगा कम से कम 70-75 किलो वेट है, जाके देख लो आप। आपका बकरा तो 65 किलो ही है, ठीक है जी, प्लस होएगा किलो, देगा किलो का फर्क होएगा भाई जी, उसके ऊपर नहीं है। कितना 72 किलो है आपके इधर? 72 होगा, अभी कांटे पर रख लो, 65 किलो आएगा आपके यहाँ की बात नहीं, 5 किलो का फर्क पड़ जाता है। यहाँ की बात बता रहा हूँ मैं आपको, जो मैन सामने है वही बताऊंगा, किलो का भी फर्क नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि 65 से 66 किलो वही भी बताता हूँ, 5 किलो जगह में बकरा खा जाता है भाई जी। कितना 5 किलो का फर्क पड़ जाता है, वही मैंने आपको यहाँ का वेट बताया है सोजात का। आप देख लो एक बार जाके, आपको जोड़ी मिलाने की रहेगी तो मिला सकते हैं आप, ले लो उसमें से, मैं कोई फायदा नहीं लूंगा। आ जाओ जी, आ जाओ भाई। हाँ जी, हैदराबादी क्या रुपए का ये? हाँ कितने मांग रहे हैं? देना कितने का भाई जी? एक ही बात करो बस, ज्यादा नहीं, रुपए 14,000 मिलेंगे भाई जी बकरे के। देख लो, आ जाओ भाई, वो सुजात बकरा देख लो, तुम्हें चलता तो वो बकरी मांगी थी मैंने, जब इसको भी सकता लो भाई जी, बच्चे अपने नाल इस समय अब बोले ले लो मगर भाई, डॉक्टर बलविंदर मान जी भी चल रहे नेंगे, वो बकरी देख लो इना दे नाल अपन गलबात भी करेंगे थोड़ी बहुत। डॉक्टर साहब सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल भाई जी, की कहना चाहुंदे हो भाई जी? अपने जेडे नवे व्यापारी वीर आउंदे ने इत्थे, जा व्यापारी बनने दे लई जा खरीदण दे लई, की जिहड़ियां गल्लां जिन्ने जिन्ने फार्म बन रहे, मैं इक्को गल उहनां नूं कहणा वी पहलां 2 वारी मंडी च आके 2 वार मंडी देखो, घूमो फिरो, रेटां दा पता करो। दोपहर तक बंदे नूं नॉलेज आ जांदी पूरी, भाई यार इह किन्ने दी बकरी है, किन्ने लोक मंगदे आ, किन्ने दी बिकदी आ, इह नॉलेज बई जी लैणियां जरूरी आ। एवें किसे नूं खल पटाउण दा कोई फायदा नहीं, कोई नहीं बख्शू, सारे कोले छुरियां तिखियां ही आ, चाहे मेरे कोले आ जाओ चाहे किसे कोले होर बग जाओ, जिन्ना चिर सोनू नॉलेज नहीं उन्ना चिर तुसीं ठगे जाओगे जाओगे। सब तो जरूरी आ बई पहलां नॉलेज लो, फिर उदों बाद कम स्टार्ट करो, यही बेनती है मेरे सारे। ठीक है जी, हाँ जी, अपने वालों कोई होर सुझाव भी उन्होंने लई, मतलब कि लाहेवंद रहे ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੰਡੀ 'ਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਆ ਕੇ ਸਾਰੀ ਨੌਲੇਜ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਘੁੰਮ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਵੀ ਆਹ ਬੱਕਰੀ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਦੀ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਗੱਭਣ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ ਗਈ, ਖਾਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ ਗਈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਲੈਣ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਵਿਕਦੀਆਂ ਨੇ ਆਹ ਇਸ ਰੇਟ ਵਿਕਦੀ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਦੇਊ ਬੱਕਰੀ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਵਿਕਣਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੌਲੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਨਾ ਵੀ ਨੁਕਸ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰ ਨਵੇਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਪ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ, ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਰੌਲੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਠੱਗੀ ਵੱਜਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਬੱਕਰੀਆਂ ਮੜਵਾਉਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਮੜਵਾ ਬੱਕਰੀ ਗਾਇਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੱਕਰੀ ਮੜਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਅਗਲਾ ਬੱਕਰਾ ਵਿਕਰੀ ਗਾ ਬਾਪੂ, ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮੜਵਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਲਓ ਬਾਈ ਜੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡ ਡਾਕਟਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਮਾਨ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੰਡੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇਗੇ, ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧੂਗਾ? ਛੋੜ ਕੇ ਲਗਾਇਆ ਮੰਡੀ, ਲੈ ਦੇਖਦੇ ਆ ਬਾਕੀ ਹੁਣ। ਓ ਬਾਈ ਕਾਲਾ ਬੱਕਰਾ ਕਿਸ ਕਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੱਸ ਦੇ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਵਪਾਰੀ ਹੈ ਬਾਪੂ। 30,000 ਮੰਗਦੇ, 30,000 तीन के? हाँ 30,000। वो कितने के? 2 के, 3 के, कितने के मांग रहे हैं? 30,000 30,000 दे देंगे, बुलाओ तो सही उसको। मेरे लेने से गल कर, मैं कट देना तू, वो है ही नहीं, जो मैं 30,000 अपना कह देते हैं। एक काम करो, जैसा वो बकरा इनको ऐसे बनाओ, मशीन में डाल के फिर लेंगे हम इनको, फिर ठीक है। ओहो जो बना उसका पूछ लो, आ गया ना मुंडा, उसको पूछ लो, पूछ के क्या देना है उसको, ले लेंगे बकरा। कोई नहीं, आ जाएंगे। हाँ जी, मारिए बाजो। हाँ और ठीक है बाबा, बढ़िया बढ़िया बाबा, तो ठीक ही रहता, सेहत मस्त है। ले भी नजारा गा पूरा फुल एंजॉय होता गा, और इन्ना सा खेडा कितने नहीं होता गा जिन्ना मंडियां ते होता गा, नजारा आ जाता। क्यों डॉक्टर साहब? मैं कहना भी जिन्ना भी अपने लोग अपने कपिल शर्मा दे सोते जांदे ने आसी हड्डी खेडे आ देखण ना, कपिल शर्मा मैं कहना उन्हां नूं उरे आउणा चाहिंदा, की गल है भाई? आउणा कपिल शर्मा, पैसे कमाउंदे अगले, जिहड़ा बंदा इत्थे आउंदा नॉलेज लैंदा गा, बहुत कुछ सिखदा गा,
खून भी बढ़ेगा, तजर्बा भी मिलेगा, तजर्बा मुफ्त में मिलेगा, ये बड़ी बात है। व्यापार जेडी चीज दा मर्जी शुरू कर ले। हाँ जी, है ना, ये गल है ना, सीखने वास्ते तजर्बा होना जरूरी है। बिना तजर्बे के बेकार है आदमी। ले भी खड्डू खड़ा इथे। ओ भाई जी, दे दो 8000 रुपए खड्डू के। कितने देने खड्डू, कितने देने हैं? 25000 भी है। 8000, 9000 नहीं, 10 का बांधना है। आइए घुमाओ फिर मंडी में। ले भी खड्डू। क्या पैसे का मेमना भाई जी? हाँ, 3000 का दे दो आपको। ले भी, जब दे दोगे तो ले लेंगे भी हम। आजो भाई। हाँ जी, क्या देना? बकरी का सौदा चल रहा भाई जी आपका? चल रहा हो तो दसो, बाबा कान में दस दे क्या रुपए की, एक ही बात। गब्बर ने ठंड रही है आपको? लो इधर आओ, लो कान लो। एकदम ठोक के लगाए बढ़िया वाले पैसे। ले भाई, चलो ये जान दो। आवण दे भाई, इधर तो बन गया काम। बग्गो बिल्ला मारो, एक झूटे दे विच मुल मिल गया बापू। हां ठीक है, बस यार हो गया ना यार। हां नहीं वो तो कोई गल नहीं, कोई पंदचना नहीं गाइस चीज यार। टट तो भरदा ही नहीं, चाहे उन्होंने 50000 दे दता भी नहीं भरदा। अच्छा ना, मार दो ये तो भरना पैंदा, फिर भरूंगा। दूध देंदी होने मोटा मोटा? नहीं दूध नहीं है नहीं थाने। अच्छा, बिल्ला नंबर क्या है जी? ले भाई ये तो वेगी इथे मारत रहे हम कैमरा जरा। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਜੀ ਬਾਪੂ ਜੀ? ਗਰੀ ਭਾਗੀ ਜੀ। ਗਰੀ ਭਾਗੀ, ਗਰੀ ਭਾਗੀ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਬਾਪੂ ਜੀ। ਲੈ ਮਾਰ ਦੇ ਕੈਮਰਾ ਥੱਲੇ ਤੱਕ, ਥਾਣੇ ਦਿਖਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਕੇ ਮੈਨੇ ਕੀ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਹੁਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ, ਫਿਰ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲੇ ਨਹੀਂ ਬਤਾਉ। ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਚੰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਜੀ ਖੜ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ, ਆ ਵਧੀਆ ਰਹੀ। ਬਿੱਲਾ ਨੰਬਰ ਕਿਆ ਭਾਈ? ਬਿੱਲਾ ਨੰਬਰ 09। ਆਜੋ ਆਜੋ, ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। हाँ मिल गया। लिख दूंगा मैं, 100 रुपए दे दो। 100 रुपए मुझे कुरकने खा लिया भाई जी। खड्डू क्या रुपए का है? 40000 का। 1, 2, 3, 4, 5 भाई जी। मैं तो सारों की बात कर रही थी, सारे तो 1,00,000 रुपए के हैं। चलो ठीक है, बताओ जी आप। उसका क्या देना है लोबड़ का? उसका 2,500 रुपए। मेरे से 300 रुपए से जोड़ी बोलो, तय करो कितनी चाहिए रोज की। पिंजरा साथ में? पिंजरा काहे को दूंगा, हम पिंजरा भी दे रहे हैं। पिंजरा भी दे रहे हैं। कल को मैं कहूंगा गाड़ी भी साथ में, दो बकरे की दे दोगे भाई जी? हाँ ले भी, बराबर दे बोलो। कल्ला टिचर पूरी कर देने। हाँ जी हाँ जी भाई, क्या देना है इसके? सही बताओ, तुम बता दे। 10,000 रुपए देंगे? 10,000 बहुत ऊपर लगे खड़े हैं खान साहब। भाई जी लगने को तो कुछ भी लग जाए, देखो ये वो चीज नहीं देना ये। उसका क्या काम है? दे दो बर्बरी का। बर्बरी तो हो गई, हो गई, हो गई। कितने की बिकी सच्ची? 12,000 की। ओ यार झूठ बोल रहा है, इसमें ऑनलाइन भी झूठ बोल रहा, तू दुनिया देख रही तेरे को फिर भी झूठ बोल रहा। आजा आयो भाई। हाँ भाई जी, कौन सा बच्चा है? किसका है जी? इसका है जी। क्या रुपए की भाई जी? 14,000। 7,000 की दे दो भाई जी। नहीं। वो बच्चा पिंजरे में, इसके लिए पैसे लग गए इसके? कोई हाल नहीं। बकरे कितने के देने के भाई जी? हाँ दोनों चिट्टे तुम्हारे हैं? लिए क्या लाए? ऐसे ही लाए थे के लिए? नहीं नहीं, बेचने ने। कितने के दोनों? दोनों भाई जी बम्बई नहीं है, तुंगो वाली मंडी है बठिंडा, बम्बई नहीं है ये। 40,000 दे दोनों के। अजो बकरा इसमें बम्बई में मांगे जाएंगे इतने पैसे इनके?
ਲੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਬੰਬੇ ਜਾ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਬਕਰੀਦ ਮੌਕੇ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦੀ ਮੰਡੀ ਰਹੂ ਭਾਈ ਜੀ ਬਕਰੀਦ ਦੀ? ਭਾਈ ਜੀ ਵਾਂ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੇਵਨਾਰ ਕੀ ਮੰਡੀ, ਉਹ ਸਭ ਬੜੀ ਮੰਡੀ ਹੈ। ਕਹਾਂ ਕੀ? ਦੇਵਨਾਰ। ਦੇਵਨਾਰ, ਹਾਂਜੀ, ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਸਭ ਬੜੀ ਮੰਡੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਕੀ ਸਭ ਬੜੀ ਮੰਡੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਕੀ ਸਭ ਬੜੀ ਮੰਡੀ? ਹਾਂਜੀ, ਜਾਏਗੇ ਵਾਂ ਪਰ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਧਰ ਗੋ ਮੈਮ ਨੇ ਰਹਿ ਗਏ 13,000 ਕੀ? अच्छा, ये क्या भाव से बेचनी है सारी? बताओ चढ़ जाओ तो देख लो। चारों कितने की है बोलो? चार को पांच है। खड़ा पड़ा रेडी है बापू जी। आ जाओ बापू इधर को। कितने की चारों? चारों की अपना बकरा काट लो, क्या बकरे का 30,000। अच्छा, इनका 25-25 है। ठीक है बापू, सही है, सही है, बिल्कुल एकदम ओके। ओके की रिपोर्ट है भाई जी, हम नहीं दस सकते एक थने बकरे हो गए। हाँ जी, हाँ जी, उसका कोई नहीं है। कितने की होंगी भाई जी दोनों? हाँ जी, बस मोल माल नहीं करना जी, बस रेट ही दसने। आया हूँ ना, हाँ जी, तेन पता भी भाई लेके जाऊ ना, और आ जाऊ ना भाई, देना है भाई, नहीं दोनों का दस दे एक नाल। ਅਸੇ ਇੱਕ ਕੀ ਰੇਟ ਦੱਸਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦਾ 80,000 ਦੇ ਦਿਆ ਜੀ ਦੋਹਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਮੋਲ ਸਹੀ ਹੈ ਤਨਾ, ਵੱਧ ਘੱਟ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਕੋਈ ਨਾ, ਜੇ ਵੱਧ 45,000 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ ਬੱਕਰੀ ਦੇ। ਦੇਖ ਐਸੇ ਟੋਪਾਂ ਮੈਂ ਇਸਕਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਭਾਈ ਜੀ, ਦਰਾਓ ਲੈ ਬਈ ਸਰ ਕੋ ਉਧਰ ਹੋ ਜਾ ਭਾਈ, ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰ, ਦਾਤ ਖੋਲਿਓ ਭਾਈ ਜੀ ਇਸਕੇ। ਬਰਾਵਾ, ਮਾਤਰੀ ਨੇ ਸੌ ਲੱਗੇ ਕਿਤੇ ਦੱਬਣ थन भी छोटा है ना, गबन तो है भाई जी, थन तो छोटा है। चलो जी, नहीं दस देता, थन भी कट है उसका। आ जाओ, आयो भाई, और माल आया है नया मंडी के अंदर, गड्डी आ रही है। अब जितनी भी काले की मेले की गड्डी है सब इधर रिटर्न होने वाली है। हल्लू हल्लू, फिर माल मिलेगा हमें भी जम के। आ जाओ जिधर देख ले, पैसे दे दो, पैसे पैसे मांगो माल। जैसी बकरी है वैसे पैसे दसो। हाँ साइड को आ, जान देख लो, उसमें जान नहीं है। तीन बच्चे लगाने पड़ेंगे उसके पास, 8,000 के 24,000 के तो बच्चे लग जाएंगे उसके साथ में। 24,000 के तो बच्चे लगे। बकरा क्या पैसे का है? बकरा वाला 15,000। देने के मूड में नहीं है अभी, बकरी लाए ना तुम इसलिए। वो खीरा है तो क्या होगा, 9,000 है, 9,000 रुपए, 9,000। इसका करो बकरी का, नमेट दिया ना मैंने, बोल दिया चलो जान दो, बस बोल दिया चलो जान दो, सही है। और इससे ज्यादा सही क्या करो, चल 500 बढ़ा देता बस, और क्या क्या नहीं। जब पूरे कल कह रहा कि भाई और क्या क्या, चल गेंद पैसे, जब माल के माल ही बिकने वाली, माल के माल ही बिकी भाई, सब तो बिकने वाली नहीं है, जान भी नहीं है उसके अंदर। वो देख ले भाई जी, लिस्सी बड़ी है, उतना का माल होता तो पहले ही चक लेता मैं, छोड़ता था क्या भाई जी? ओ नहीं भाई जी, जान ही नहीं है, मैं तो लगा दिए चंगे पैसे, लगा दिए भाई जी बहुत चंगे पैसे लगा दिए, देख लो जम दे तो पैसे। ओ लक्के, लक्का कहाँ गया? लगाए देख, दे दे छोड़ने का, छोड़ दे बस, सही लगाए ले भरपूर, छोड़ने तो पैसे ले ले। मैं तो दोस्त को दिलवा रहा लक्के को, बोल दिया मैंने देख, भाग रहा क्यों हेल्ले रुपए? गिन 14,000 रुपए सही लगा रखे एकदम बढ़िया वाले, ठोक ठाक के हेल ले। नोट भी ऐसे ले दो, करारे करारे जैसे तेरी बकरी करा रही, करारे लगा के आए हैं, बचता भी नहीं कुछ हमको तो। वो तो पूरे हो जाए तो ही हम दे देंगे। बोलो जल्दी, नहीं नहीं इतने में नहीं आएगी, बस बोल दिया उसके ऊपर तो नहीं चलती भाई जी, ऊपर लगा कोई लगाना है तो ऊपर तो नहीं लगाऊंगा भाई जी। देखी जाऊगी वादे कटे कर्म वाली, छोड़ दे आ दोई दो गबन भी है जो कोई भाई तीन गबन ही है भाई दोने
ਲੈ ਬਈ ਆ ਵਰਬਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਇਹਦੇ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ 5 ਇਹਦੇ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵਧੀਆ 6 ਬਾਕੀ ਇਹ ਡੈਂਟਿੰਗ ਪੇਂਟਿੰਗ ਭਾਲ ਦੇਣਗੇ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸੋਹਣੇ 8 9 ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਪੈਸੇ ਲਗਾਏ ਭਾਈ ਜੀ ਕੱਟ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲਾਂਦਾ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੂਰੀ ਤੇ ਕਤੂਰੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਜੀ ਕਤੂਰੇ ਕੇ ਬੱਕਰੇ ਦੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਦੇਣਾ ਬਤਾਓ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੋ बड़े वाले हमारे ले ले पैसे भाई जी बड़े चंगे पैसे मिल रहे भाई जी किन्ने लगाते थे 15,000 रुपए ला दे हां जी कितने तक देना वीरे मेमना ही है भाई जी मेमना पकड़ा नहीं है मेरे पैसे कट नहीं लाए आगे तेरी मर्जी है अगर तू देना तो खुशी नाल दे दे दूंगे भाई जी कदूरे के पैसे शाम के आ ये आयो भाई इधर आयो भाई कबूतर क्या पैसे गया भाई जी ये लग के की रेट है वीरे 2 लगे एक कबूतर में तो 4 को गए ਕੋਗੇ ਕੋਗਾ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਬਈ ਕੱਢੀ ਬਾਰੇ ਬਾ ਕੋਗੇ ਆਈ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਪੋਗੇ ਹੈ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੈ ਆਇਓ ਕਿਆ ਕਰ ਰੁਪਏ ਕੀ ਹੈ ਕਿਆ ਕਰ ਰੁਪਏ ਕੀ ਭਾਈ ਜੀ ਹੈ ਆ ਲਾਣੇਦਾਰ ਜੀ ਦੀ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਮੰਗਦੇ 15 ਜੀ 9000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਭਾਈ ਜੀ 9000 ਰੁਪਏ ਹੈ 9.5 ਦੇ ਦੂੰ 10000 ਮਿਲਣਗੇ ਪੂਰੇ ਦੇਖ ਲਓ مشورہ ਕਰ ਲਓ ਕਿਸੇ ਸੇ ਆਇਓ दूसरे स्कूल में गए थे क्या नहीं गए थे 25 वाले स्कूल में गए थे और कोई में गए थे क्या नहीं 18,000 रुपए देंगे चलो जी ਆ ਬਰ ਬਰਾ ਬੱਕਰਾ ਹੁਣ ਕੈਮਰਾ ਮਾਰ ਲੈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਦਿਖਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਕੱਢੋ ਇਹਦਾ 10 ਲੈ ਬਈ ਆ ਬੱਕਰਾ ਖਰੀਦੇਗਾ ਕਿੰਨੇ ਦੰਦ ਹੈ ਪੂਰੇ 12 ਵੀਰ ਬਾਈ ਨੇ ਖਰੀਦੇਗਾ ਚਾਰ ਦੰਦ ਹੈ ਚਾਰ 13 ਖੋਲ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 14 15 ਸਿੰਘ ਮਾਰੂਗਾ ਯਾਰ 16 ਪੂਰਾ ਹੀ ਆਇਆ ਤਾਂ ਹੁਣ 17 6 ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ 18 19 ਲੈ ਬਈ 20 21 22 23 24 25 26 27 रुक जाऊं क्या 28 चलने दे अबे डर रहा है अभी इसकी पर्ची नहीं काटनी आ इन्हें गाली दे मेमना वाली इन्हें लगा दे मेमना वाली एक खरीदेगा भाई हां हुन तेरे वाला इसमें काट देंगे हुन इन्हें अंदर छोड़ दे कोई बात नहीं कर दे इसको ले भाई लो भाई जी ये भी पा आने जल्दी डाल दे 4,500 की कितने की बॉस बना के खाने का ऐसे कौन सा नस्ल बच्चे पैदा करने हैं उसके खाने वाली भी बात कितने की है खाने वाली कितने की है 5,000 की बस और कितने की कितने की 16 किलो 50 किलो हो जाएगी तो 16 किलो नहीं 32 किलो जिंदा जोग देगा तुझको तो डाल देख ली मैंने 32 किलो जिंदा जोग देगा अब दूध निकलता है 12 किलो गोश है उसके अंदर 5 किलो 12 किलो चलो चाचा तेरी बात 12 किलो कितने 400 रुपए जोड़ना 5,000 का हो गया 600 जोड़ 200 रुपए देसी मुर्गा बिक रहा भाई जी कहां हो तुम देसी मुर्गे में ताकत है इसमें ताकत है हो गया यार देखो मेरी गल सुन लो 700 होगा 800 होगा 400 रुपए मेरे से ले जाता जो के मैं डालता 5,000 की चलो यार तुझे लड़ने बह गए बड्डे कटाउनी है साडे बड्डी था एकड़ा हुन बड्ड के देनी है चलो लो वीरो पूरा उधर भी भाई ਦੇ ਇਧਰ ਲੈ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ ਦਬਾਈ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਹਰ ਵਾਰ ਇਹ ਫਾਰਮ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਅੱਜ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਬਾਈ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀ ਖਰੀਦਿਆ ਬਾਈ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਵਰਹਿਮਤੁਲਾਹਿ ਬਰਕਾਤੋ ਔਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੋ ਦਾ ਜੋ ਭਾਈ आप आते हैं और बड़ी मेहनत से बहुत दूर से आते हैं इस बात का आपका धन्यवाद करता हूं और बहुत शुक्रिया करता हूं जी और आप लोगों को सही बात दिखाते हैं सबसे बड़े बात तो इस बात का शुक्रिया है जी कि किसान भाइयों तक वे जो बेचारों को खरीदी का पता नहीं उन तक ये बात पहुंचाते हैं
क्योंकि इससे क्या होता है, जागरूक होता है इंसान और सही तरीके से बकरी खरीद पाता है इंसान जी, और जो अपना माल बेचने वाला है वो भी सही तरीके से बेच पाता है जी। क्योंकि इस कारण जो आप लोग दिखाते हैं, इस कारण ही लोग थोड़ा समझ में आता, नहीं तो पहले बहुत ठगी चलती थी, कोई किसी को पता नहीं लगता था कितने की बकरी है। अगर 10,000 की बकरी 20 में खरीद लेता था, 20 वाली बकरी 10 में बेच जाता था, पहले बहुत रोना था इस चीज़ का। लेकिन माशाल्लाह जैसे यूट्यूबर के जरिए जैसे आप लोगों ने दिखाना चालू किया जी, उससे कैसा है, सच्चाई दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है सामने सामने। आज भाई कितने नग खरीदे हमने भाई जी? आज कुछ तो भी 35-40 नग खरीद चुके हैं अभी तक माशाल्लाह, तुम्हारे सामने ही है जिसमें 51 बरबरी है, कुछ पट्टा है, कुछ 51 बकरी है, कुछ बच्चों वाली बकरी है, सभी तरह की बकरी आज खरीदी हमने। कितने कितने कीमत की भाई साहब अभी होंगी? भाई जी इसमें 12,000 रुपये से लेके और अपना 30-35,000 रुपये, 40,000 रुपये, 35,000 रुपये तक की खरीदी बकरी है इसके अंदर। ठीक है भाई, ये बकरी हमारे कौन से फार्म में जाएंगी? भाई जी कुछ बकरी है अपना जो अमृतसर का फार्म है, जो अमृतसरी बकरी है वो उधर जाएंगी, कुछ जो पट्टा है जिसके पट्टे को गिरा के यहाँ पे है और बरबरी को गिरा के है वो यहाँ पे रहेंगी जी, ग्राहक के हिसाब से है। ग्राहक के हिसाब से है। ठीक है भाई, और हमारा बाहर का अभी कितना ऑर्डर होगा? भाई जी ऑर्डर तो बहुत ज़्यादा आए हुए हैं मेरे को, लेकिन इंशाल्लाह जैसे अभी रमज़ान आ रहे हैं, खाली रमज़ान के महीने में मैं एक दिन, एक महीना पूरा बंद रखता हूँ व्यापार, और सभी किसानों से, सभी व्यापारियों से जिनको माल लेना है, जिनको माल देना है मेरे फार्म से, गिल साहब से, डॉक्टर साहब से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। पूरा एक महीना माल यहाँ अपना पूरा मौजूदा हाल में मिलेगा, जो एक्स्ट्रा माल यहाँ पे यानी कि फार्म पे वैक्सीन करके रखा हुआ माल है वो हमेशा पूरा महीना मिलेगा आपको, लेकिन एक महीना मैं नहीं मिलूंगा आपको। ठीक है भाई, ये बात है जी। और इसमें देख लो आप बंदोबस्त माशाल्लाह, उधर कैमरा मार के दिखाओ, पीछे हमने लहसुन घास लगाई हुई है, ये पीछे की खेती भी अपनी है सारी, उधर दिखाओ पीछे जो खेती है जिसको लहसुन घास बोलते हैं। सब किसान भाइयों से यही विनती है कि बकरी जब खरीदे तो पहले चारा लगा लो, चारा जितना लगाओगे देखो ये सारा चारा लगा हुआ है हमारा, ये बकरियों के लिए जी, बकरियों के लिए ये पूरा अपना ही चारा है, पूरा खेती पीछे से तो ये चारा अपना लगा हुआ है, जितना लहसुन घास लगाएंगे उतना ही बेस्ट रहेगा, इसमें प्रोटीन भी है और इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है, 3 साल बीज चलता है इसका, 3 साल बीज चलेगा। हाँ जी ठीक पूरा है, गर्मी में नज़ारा देंगे जी। बकरा जो हमने खरीदा है जी, ये बकरा ब्रीडर है जी? ब्रीडर नहीं है, बकरा ईद के हिसाब से है, अभी इसकी तैयारी हो जाएंगी, बकरा ईद तक 1 क्विंटल का बकरा बन जाएगा भाई जी। ठीक है, अभी इसका वजन कितना रहेगा? इसका वजन रहेगा अभी 60-65 किलो रहेगा भाई जी, 4 दांत का बच्चा है ये, अभी तैयार करेंगे इसको। तैयार करेंगे, ये देखो ब्रीडर ये है जिसे बोलते हैं टॉप क्वालिटी, 2 दांत बच्चा है। गग्गू इसका मुंह खोल के दिखाओ दांत के, जिसको क्वालिटी बोलते हैं ना, इस तरीके का ब्रीडर रखना चाहिए, टॉप क्वालिटी का बच्चा बोलते हैं ना। देखो ना अभी 2 दांत करा है भाई जी, ये देखो 2 दांत है, 2 दांत, 2 दांत वीरो, ये ब्रीडर है, कितना सोना तैयार हो जाएगा, हाइट वगैरह भाई जी इसकी हाइट जाएंगी 45-46 हाइट जाएंगे, हाथों पैरों का बहुत मजबूत है माशाल्लाह, बहुत टॉप क्वालिटी का बच्चा है, जितनी तारीफ करे उतनी कम है, चेहरे से लेकर सब चीज़ इसमें नंबर वन है भाई जी। जी ये भी सेल आएगा जी, किसी भाई को जो माल खरीदना है तो डॉक्टर साहब से कॉन्टेक्ट करो, मेरा नंबर है स्क्रीन के ऊपर, डॉक्टर का नंबर है, गिल साहब का नंबर है, अमृतसर साइड से है, जम्मू से है, गिल साहब से कॉन्टेक्ट करो, उधर से उनको माल मिल जाएगा, हर टाइम अवेलेबल रहता है अपने पास माल, और टॉप क्वालिटी का माल मिलेगा और रिजनेबल रेटों में माल मिलेगा जी, हर तरह का माल मिलेगा, हर तरह का माल मिलेगा, बरबरी चाहिए बरबरी मिलेगी, जैसे आपको पठिया चाहिए पठिया मिलेगी, बकरी चाहिए सुई भी बकरी मिलेगी, हर तरह का 10,000 रुपये से लेके 40-50,000 रुपये रेंज तक के सब चीज़ मिलेगी हमारे पास। ठीक है भाई, हाँ जी धन्यवाद, ओके शुक्रिया।